मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर हजारों श्रद्धालुओं ने सोमवार को मौन धारण कर आस्था के साथ राप्ती नदी सहित आसपास के महत्वपूर्ण नदियों में डुबकी लगाई। आस्थावान लोगों ने रेतीले तट पर विधिवत पूजा पाठ और भजन कीर्तन कर श्रद्धा से दान भी किया। स्नान के लिए सरयू, राप्ती, कुआनो नदियों के रेतीले तट पर जूट हजारों श्रद्धालुओं ने मौन धारण कर आस्था की डुबकी लगाई। मंगल गीत का गान करते हुए महिलाएं नदियों के तट पर पहुंची। रेतीले भाग से तट पर पैदल पहुंचने के लिए लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। सर्द हवाओं के बीच पड़ी ठंड में भी नदी में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखा। स्नान करने के बाद आस्थावानों ने तट पर मौजूद ब्राह्मणों से कथा श्रवण करते हुए गौदान किया। बाद में तट किनारे विधिवत पूजा अर्चना कर परिवार के लिए मंगल कामना की। भजन कीर्तन से नदी तट का माहौल भक्तिमय हो उठा। वहीं राजघाट पुल स्थित राप्ती नदी तट पर भी आस्थावानों ने श्रद्धा के साथ डुबकी लगाई। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए शेषनाथ पांडे ने कहा। शेषनाथ पांडे। इसका हिंदू धर्म का देखिए बहुत बड़ा महत्व है। ये माघ के महीने में पड़ता है। उन्हें मौनी अमावस्या जो है इसका बहुत बड़ा महत्व कर रहा है उन्हें। और ये मेन नहान तो आपका जो उन्हें प्रयागराज का है उन्हें, लेकिन वहाँ नहीं लोग पहुँच पाते हैं तब ना आके राप्ती नदी पर जो है स्नान करते हैं। इसका यही महत्व है उन्हें।